हेलो गाइस, आई एम राज एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मेहरा। आइए एक न्यूज़ पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई टफ वर्ड्स मिलेगा तो वो देखेंगे, और क्या कहते हैं, कोई सेंटेंस फ्रेमिंग अगर नहीं होगी तो उसे देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अंकित वॉन्टेड टू बी अ वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर। जो अंकित है वो बनना चाहता था वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर। ठीक है, तो जब भी आप कुछ बनना चाहते हैं तो आप ऐसे बताएंगे, आई वॉन्ट टू बी अ, बी आ या एन लगाएंगे। ठीक है, जो वॉवल्स के हिसाब से, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, चलिए ये न्यूज़ पढ़ते हैं, समझते हैं। पी एच डी स्कॉलर, पी एच डी मीन्स होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ठीक है, स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान। पी एच डी स्कॉलर अंकित खोखर 40, जो अंकित खोखर हैं 40 साल के, हु वॉज मर्डर्ड बाई हिज लैंडलॉर्ड ओवर 40 लैक्स, डैट द स्टेटिशियन हैड लैंड द लेटर इन अक्टूबर दिस ईयर। ठीक है, तो जो पी एच डी स्कॉलर है, इनका हु वॉज मर्डर, इनका मर्डर कर दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई, बाई हिज, किसके द्वारा, बाई हिज लैंडलॉर्ड, कोई मकान मालिक होंगे, उनकी मकान मालिक द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। ओवर किस चीज़ को लेकर, ओवर 40 लाख 40 लाख को लेकर उनकी हत्या कर दी गई मकान मालिक द्वारा। ठीक है, द स्टेटिशियन मीन्स होता है सांख्यिकीविद, जो सांख्यिकी की नॉलेज रखता हो, आंकड़ों की नॉलेज रखता हो। ठीक है, तो मतलब ये पीएचडी जो स्कॉलर हैं ये स्टेटिशियंस थे। ठीक है, हैड लैंड, जो उन्होंने उधार दिए थे, लैंड की थर्ड फॉर्म होती है लैंड। ठीक है, लैंड मीन्स होता है देना किसी को उधार, लैंड द लेटर इन अक्टूबर दिस ईयर, इस साल अक्टूबर में जो उन्होंने, जो दूसरा बंदा है उसको दिया, लेटर मीन्स होता है बाद वाला कौन है, लैंडलॉर्ड। तो जो स्टेटिशियन है उन्होंने बार वाले बंदे को 40 लाख रुपए उधार दिया था अक्टूबर में इस साल। ठीक है, वांटेड टू बिकम वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर, क्या करना चाहते थे वो, वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर बनना चाहते थे। देखिए यहाँ पे बिकम आ गया, ठीक है, वहाँ पे बी लगा हुआ था। एंड वॉज प्लानिंग टू गो टू जर्मनी, और प्लानिंग कर रहे थे, ठीक है, किसकी, जर्मनी जाने की, टू फर्दर स्टडी द सब्जेक्ट, आगे स्टडी करने के लिए उस सब्जेक्ट को, उस विषय को आगे पढ़ने के लिए वो जर्मनी जाने की प्लानिंग कर रहे थे। सैड डॉक्टर विक्रांत जवला, जो डॉक्टर विक्रांत जवला, उन्होंने कहा है, हिज क्लोज फ्रेंड, उनके क्लोज के दोस्त होंगे, नज़दीकी मित्र उनके, द लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड था, जो मालिक था किसी जगह का, या मकान मालिक या किसी जगह का मालिक, उमेश शर्मा, ठीक है, उनका नाम क्या है, उमेश शर्मा 35, जिनकी एज 35 है, वॉज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, ये पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट का, बाय द यूपी पुलिस द्वारा, ऑन वेनसडे को, जब भी डे और डेट बतानी है आपने, ठीक है, डे और डेट बतानी, ऑन लगा के बताएंगे, यहाँ पे देखिए ऑन लगा के बता दिया। अंकित वॉज एलेजली, ऐसा आरोप है, अंकित वॉज स्ट्रैंगल्ड, स्ट्रैंगल में होता गला घोटना। ठीक है, जैसा अगर मतलब कि किसी को मारना उसकी सांस बंद करके, तो अंकित वॉज एलेजली, ऐसा आरोप है, अंकित वॉज स्ट्रैंगल्ड बाय शर्मा, जो शर्मा है उमेश शर्मा, उनके द्वारा उनका सांस रोक के या गला दबाकर मार दिया गया, विद अ टॉवल के साथ में। ठीक है, मतलब मुंह ढक के मारा गया, ऑन अक्टूबर 6 अक्टूबर को। शर्मा दैन, तब शर्मा ने क्या किया, चॉप्ड हिज बॉडी इंटू 4 पीसेस, कैसे लोग हैं यार, चॉप मीन्स होता है काटना। ठीक है, किसी को बहुत सारे टुकड़े करना, चॉप, कट मीन्स होता है काटना, चॉप मीन्स होता है बहुत सारा टुकड़े करना, चॉप्ड हिज बॉडी इंटू 4 पीसेस, उसकी 4 टुकड़ों में उनकी बॉडी को काट दिया, विद अ सॉ, सॉ मीन्स होता है आरी, सो आरी के साथ में उनकी बॉडी को 4 टुकड़ों में काट दिया। ये सी की सेकेंड फॉर्म भी सॉ होती है, मगर ये सॉ आरी वाला है। ठीक है, एंड डंप द पार्ट्स, और उन पार्ट को डंप कर दिया, डंप मीन्स होता है किसी से छुटकारा पाना, फेंक देना। ठीक है, जो चीज़ आपको चाहिए नहीं उसे आपने फेंक देना, उसे डंप बोलते हैं। तो उनके पार्ट्स को क्या किया, बॉडी पार्ट्स को डंप कर दिया, फेंक दिया, एट सेवरल प्लेसेस, अलग कई जगहों पर। ठीक है, इंक्लूडिंग द गंगा, कहाँ फेंके हैं, इंक्लूडिंग द गंगा कैनाल, जो गंगा कैनाल है वहाँ पर भी, इन गाज़ियाबाद में, एंड मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिस के अनुसार, ठीक है, पुलिस के अनुसार, और हमेशा याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा अकॉर्डिंग टू मी करके अपने बारे में अकॉर्डिंग टू मत करके लगाना। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू पुलिस, ऐसे तरीके से होगा, अकॉर्डिंग टू मी नहीं होगा, तो अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार, उमेश,
अ कंपाउंडर एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन मोदी नगर। तो जो जो उमेश है वो एक कंपाउंडर था, कहाँ पर? एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है, इन मोदी नगर, मोदी नगर के, मोदी नगर में प्राइवेट हॉस्पिटल में वो कंपाउंडर था। हैड बोरोड द मनी, तो उसने पैसा उधार लिया था। देखो बोरो मीन्स होता है पैसा उधार लेना, लैंड मीन्स होता है पैसा उधार देना, ठीक है, तो लैंड मीन्स होता है देना, बोरो मीन्स होता है लेना। तो उसने जो मेस्ट था उसने उधार पैसे लिए थे टू सेटअप अ बिजनेस, बिजनेस चलाने के लिए, सेटअप करने के लिए, ठीक है, तो सेटअप मीन्स होता है स्टार्ट करने के लिए। एंड किल्ड हिम, और उसे उसने मार दिया, उमेश ने क्या किया, उसे मार दिया। टू अवॉइड रीपेइंग द सम, तो वो जो उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है, कि वो पैसा वापस ना कर सके, इस करके उसने उसको मार दिया। रिपे मीन्स होता है किसी को वापस करना, सम मीन्स होता है अमाउंट, ठीक है। द मैटर केम टू लाइट, जो मामला है सामने आया। कम टू लाइट मीन्स होता है सामने आना, ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म लगी केम टू लाइट। आफ्टर सिक्स फ्रेंड्स ऑफ अंकित, कब आया, किसके बाद आया, जो अंकित के छः फ्रेंड्स थे, फाइल्ड अ मिसिंग कंप्लेंट, उन्होंने एक मिसिंग कंप्लेंट की, ठीक है, गुमशुदगी की एक जो कंप्लेंट थी, शिकायत थी, वो दायर की विद पुलिस, पुलिस को, ठीक है, ऑन दिसंबर 11 दिसंबर को। डिस्क्राइबिंग अंकित एज अ मास्टर स्टैटिशियंस, तो डिस्क्राइब मीन्स होता है किसी का वर्णन करना, किसी के बारे में बताना, ठीक है, किसी चीज़ या किसी इंसान के बारे में बताना। अंकित के बारे में बताते हुए स्टैटिशियंस, जो स्टैटिशियंस मीन्स होता है जो अंकों की नॉलेज रखता हो, जैसे कि आंकड़ों की नॉलेज रखता हो, ठीक है। जवला, जो जवला हैं उनके फ्रेंड होंगे, अंकित हॉस्टल रूममेट, अंकित के जो हॉस्टल के रूममेट हैं वो, जो उनके रूम में साथ रहते थे फॉर 3 ईयर्स, 3 साल से। हु नाउ रन्स अ प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट, नाउ वो जो अब क्या करते हैं, वो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं इन मेरठ, मेरठ में, ठीक है। रन शॉप, रन स्कूल, रन हॉस्पिटल, इसका मतलब होता चलाना। सैड सैड दैट, उन्होंने कहा कि ही हैड मैट हिम एट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, उन्होंने बताया कि जो जवला है कि उन्होंने वो उनसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मिले थे इन मेरठ, मेरठ में फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन 2002 में, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग एमए इन 2004, एमए कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, पूरा करने के बाद 2004 में अंकित एंड जवला, अंकित और जवला, ठीक है, जो फ्रेंड है जो बता रहे हैं, परस्यूड एमफिल इन स्टैटिक्स, तो उन्होंने सांख्यिकी में क्या किया, एमफिल किया। इस परस्यू मीन्स होता है किसी डिग्री को प्राप्त करना, ठीक है, डिग्री करना, पढ़ाई करना। एंड एम एस सी इन मैथमेटिक्स, और एम एस सी की मैथमेटिक्स में, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मीन्स होता है क्रम अनुसार, ठीक है, क्रमशः, जैसे आपने बोला कि मैंने ये खाया ये खाया, 3-4 चीज़ें बताई, फिर उसके बाद बोल दिया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फ्रॉम सी सी एस यू, कहाँ से की, सी सी एस यू से, मतलब ऑल्सो कॉल्ड, उनको ये इस नाम से बुलाया जाता है, मेरठ यूनिवर्सिटी इन 2005, ठीक है, 2005 में। अंकित अ नेटिव ऑफ मुकुंदपुर विलेज, जो जो अंकित हैं नेटिव हैं, नेटिव मीन्स होता है कहीं पे जो पैदा हुआ होता है, पला बड़ा होता है, ठीक है, निवासी, रेजिडेंट मीन्स भी निवासी होता है, मगर नेटिव ये वहीं पे पैदा हुए होते हैं। अंकित अ नेटिव ऑफ मुकुंदपुर विलेज इन बागपत, बागपत में जो मुकुंदपुर विलेज है वहाँ के निवासी हैं, वहाँ पे पले बड़े हैं। ऑल्सो क्वालिफाइड, और उन्होंने ये भी क्वालिफाइड किया था फॉर नेट, नेट के लिए भी क्वालिफाइड किया था विद जे आर एफ के साथ में, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप इन 2005 में। तो बताने कि जो ये अंकित हैं मुकुंदपुर के नेटिव हैं, निवासी हैं बागपत में, उन्होंने नेट भी किया था जेआरएफ के साथ में 2005 में। ही देन, तब उसने इनरोल्ड हिमसेल्फ फॉर पीएचडी, तब उन्होंने इनरोल्ड किया अपने आप को, इनरोल्ड मीन्स दाखिला लेना। ही देन इनरोल्ड हिमसेल्फ फॉर पीएचडी, तो उन्होंने पीएचडी के लिए दाखिला लिया, पीएचडी कोर्स के लिए दाखिला लिया इन बीएचयू इन 2008 में, बीएचयू में उन्होंने पीएचडी के लिए दाखिला लिया, ठीक है, इनरोल मीन्स होता दाखिला लेना। इन 2017 में अंकित डिसाइडेड टू इनरोल हिमसेल्फ फॉर पीएचडी इन स्टैटिक्स एट बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उसके बाद अंकित ने 2017 में डिसाइड किया दाखिला लेने का, इनरोल हिमसेल्फ फॉर पीएचडी करने का
निर्णय लिया इन स्टैटिक्स सांख्यिकी में, कहाँ पर? एट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर है? लखनऊ में। एंड सबमिटेड हिज थेसिस इन जुलाई 2022, और जुलाई में 2022 को उन्होंने अपने थेसिस को जमा किया। सबमिट में से होता है जमा करना, ठीक है। एंड एडेड जवला, और जवला ने ऐड किया, हु इज़ नाउ अ मैथमेटिक्स टीचर, जो अब गणित के टीचर हैं, ठीक है। आई लर्न स्टैटिक्स फ्रॉम हिम, तो जो जवला है वो बोल रहे हैं मैंने सीखी है, जो सांख्यिकी स्टैटिक्स है आंकड़े, वो मैंने उन्हीं से सीखे हैं। ड्यूरिंग किसके दौरान? माई प्रिपरेशन फॉर नेट, जब मैं नेट की तैयारी कर रहा था तब मैंने वो स्टैटिक उनसे सीखी थी इन 2004 में। जवला फर्दर सैड, उन्होंने आगे कहा ऐसा, एडिंग डेट और ऐड करते हुए, अंकित वॉज ऑल्सो गुड ह्यूमन बींग, तो अंकित एक अच्छा आदमी था। ह्यूमन बींग मिस होता है, गुड ह्यूमन बींग मिस होता है अच्छा आदमी, ठीक है। तो अंकित जो था एक अच्छा आदमी था। जवलाज मदर, जो जवला की जो मदर हैं, ओम वीरी देवी सैड, उन्होंने कहा, अंकित यूज़ टू रिस्पेक्ट मी अलॉट, अंकित मेरी बहुत इज्जत किया करता था। यूज़ टू मिस होता ऐसे काम जो आप पहले किया करते थे अब नहीं करते हो। ही वॉज लाइक माई सन, वो मेरे बच्चे जैसा था, मेरे लड़के जैसा था, ठीक है। मीनवाइल मिस होता इसी बीच, लोकल रेजिडेंट्स, जो स्थानीय लोग थे, हिज नेटिव विलेज, जो उसके जहाँ पे वो रहता था उस गांव के, ठीक है, नेटिव विलेज मिस होता जहाँ पे वो पला बड़ा था, पैदा हुआ था गांव, वर आर शॉक्ड, वो मतलब शॉक्ड हैं, आश्चर्यचकित हैं, टू हियर अबाउट हिज मर्डर, उसके मर्डर के बारे में सुनकर, ठीक है। मतलब कि अभी तक वो यकीन नहीं कर पा रहे इस बात को। नेटिव प्लेस मिस वो प्लेस होता है जहाँ पर आप पैदा हुए होते हैं, ठीक है। अंकित नेवर, जो अंकित के पड़ोसी हैं, नेवर मिस होता पड़ोसी, संजीव चौधरी, द विलेज हेड ऑफ मुकुंदपुर सैड, जो विलेज हेड है मतलब कि प्रधान है, मुखिया है सैड, उन्होंने कहा, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही, सिंस चाइल्डहुड मिस होता बचपन से ही, अंकित हैड बीन अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, अंकित एक अच्छा विद्यार्थी रहा है, ब्रिलियंट रहा है, ठीक है, विद्वान रहा है। ही यूज़ टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम स्टडिंग, तो अधिकतर वो अपना टाइम किस में खर्च करते थे, स्पेंड करते थे, बिताते थे, पढ़ते हुए, ठीक है। चौधरी एडेड डैट, चौधरी ने और ऐड किया, जो प्रधान वहाँ के, अंकित फादर, जो अंकित के जो पिता हैं, एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, अंकित के पिता, रामपाल सिंह, वॉज अ स्पोर्ट्स टीचर, वो खेल के टीचर थे, अध्यापक थे, एट लालखेड़ी इंटर कॉलेज, जो लालखेड़ी इंटर कॉलेज है वहाँ पर, इन डिस्ट्रिक्ट जिले में। अंकित हैड अ वेल बिल्ड हाउस, अंकित का एक बहुत ही अच्छा घर था बना हुआ, इक्विप्ड विद ऑल फैसिलिटीज़ इन मुकुंद नगर में, इक्विप्ड विद मिस होता है सारी सुख सुविधाओं से लैस, ठीक है, तो सॉरी इक्विप्ड मिस होता है लैस किसी चीज़ से, ऑल फैसिलिटीज़, हमारी सारी सुख सुविधाओं से लैस, उसका एक अच्छा घर बना हुआ था मुकुंद नगर में, मुकुंदपुर में, ठीक है। अराउंड सिक्स मंथ्स एगो, लगभग 6 महीने पहले, ही सोल्ड द प्लेस अलॉन्ग विद 18 बीघा ऑफ अनसेस्ट्रल लैंड टू परस्यू एकेडमिक अब्रॉड, तो बोल रहे कि लगभग 6 महीने पहले ही सोल्ड द प्लेस, और उन्होंने जगह बेच दी थी, अलॉन्ग विद मिस होता के साथ में, किसके साथ में, 18 बीघा ऑफ अनसेस्ट्रल लैंड, जो उनके अनसेस्ट्रल मिस होता है पूर्वजों का, अनसेस्ट्रल लैंड मिस होता पूर्वजों का, ठीक है, जो उनके दादा परदादा पापा लोगों का होगा, तो 18 बीघा जो उनके पूर्वजों की जगह थी उसके साथ में उन्होंने अपने घर को भी बेच दिया, टू क्या करने के लिए, टू परस्यू एकेडमिक, तो जो अपनी स्टडी है उसको परस्यू करने के लिए, उसे करने के लिए अब्रॉड विदेश में, तो उन्होंने अपनी सारी जगह को, अपनी अनसेस्ट्रल लैंड है पूर्वजों का, और अपनी जगह को, जो अपने घर को बेच दिया अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए विदेश में। अंकित वॉज नॉट मैरिड, अंकित की शादी नहीं हुई थी। ही यूज़ टू से, वह कहा करता था, आई एम मैरिड टू स्टैटिक्स, मेरी जो स्टैटिक्स है, जो सांख्यिकी है मेरी, उससे शादी हुई है, ठीक है, मतलब आई एम मैरिड टू दिस या आई एम मैरिड टू स्पोर्ट्स, ही इज़ मैरिड टू क्रिकेट, इसका मतलब है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसी में ही स्पेंड करते हैं। आप भी बोल सकते हैं, ठीक, जिसमें आप अधिकतर टाइम स्पेंड करते हैं तो उसके लिए बोल सकते हैं, जैसे आई एम मैरिड टू स्टडी, मेरी मतलब कि मैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम क्या स्टडी में निकालता हूँ, इसका मतलब ये है, ठीक है। सैड चौधरी, चौधरी ने ऐसा कहा और ऐड किया, अंकित कंसीडर्ड
अंकित मानता रहा, कंसीडर मीन्स होता किसी को मानना, ठीक है, समझना या मानना। उमेश अ गुड फ्रेंड, और जो उमेश उसे एक अच्छा दोस्त मानता था। गेव हिम फुल सपोर्ट, और उसे सारी सपोर्ट दी, पूरी सपोर्ट दी, सहायता दी। बट उमेश बिट्रेड हिम, उमेश ने उसे क्या किया, धोखा दिया। बिट्रेड मीन्स होता किसी से विश्वासघात करना, तो उमेश ने उसके साथ में विश्वासघात किया, ठीक है। ओके गाइज, इसमें कुछ जो एक दो टफ वर्ड्स हैं वो मैं लिख दूंगा, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर किसी भी तरीके की अगर आपको कोई परेशानी आती है तो मुझे बताइएगा, ग्रामर से रिलेटेड मैं उसे बना वीडियो बना दूंगा उसके आपके लिए।